का एक केस रजिस्टर हो गया, उस पे था कि एक चार चक्का गाड़ी पे एक लोग आते हैं और एक औरत और महिला बाहर जाके महिला लोगों से चिंताएं करते थे। ये हम टोटल 5 लोगों का गिरफ्तारी है, उस पे एक महिला अपने आप को ट्रांसजेंडर की पहचान में आती है और बाकी 4 लोग हैं ये सब औरंगाबाद का रहने वाले हैं। यार आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। पटना पुलिस को आज एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। छिनतई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पटना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हम आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर सुबह में जो महिलाएं होती थी वो इन अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों के निशाने पर होती थी और ये सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य जो हैं औरंगाबाद ज़िले और जहानाबाद ज़िले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सभी पुलिस लिखी हुई कार से औरंगाबाद से पटना राजधानी पटना पहुंचते थे और रात में पहुंचते थे और सुबह मॉर्निंग वॉक पर टहलने वाली जो महिलाएं होती थी, जो घूमने वाली महिलाएं होती थी, उनको निशाने पर लेते थे और उनसे छिनतई कर फिर फरार हो जाते थे। हालांकि इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल इन गिरफ्तार सभी लोगों में एक महिला ट्रांसजेंडर सहित 4 पुरुष अपराधकर्मी शामिल हैं। हालांकि इन लोगों से पुलिस लिखी हुई कार और एक देसी पिस्टल और 5 गोली 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। हालांकि इस मामले पर सिटी डीएसपी एस ए सारथ क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं उनके हम बयान के साथ। 12 तारीख को आदमकुआ में एक स्नैचिंग का ही है ना, एक स्नैचिंग का एक केस रजिस्टर हो गया, उस पर था कि एक चार चक्का गाड़ी पे एक लोग आते हैं और एक औरत और महिला बाहर जाके महिला लोगों से चिंताएं करते थे। तो उसके वो सही मोडस पे 2-3 केस रजिस्टर हो गया था, तो उस पर आगमकुआ थानेदार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और उस पर ये लोग अच्छा काम किए हैं और उसका डिटेक्शन भी हुआ है। उस पर हम टोटल 5 लोगों का गिरफ्तारी है, उस पर एक महिला अपने आप को ट्रांसजेंडर की पहचान में आती है और बाकी 4 लोग हैं ये सब औरंगाबाद का रहने वाले हैं। ये लोग चार चक्का गाड़ी से पटना आते हैं और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घूम के जो महिला लोग जो बाहर जाते हैं वॉकिंग के लिए उससे चिंताएं करते थे और उस पर उसके हाथ से एक देसी पिस्टल और 5 गोली और 5 मोबाइल और जो क्राइम करने के लिए जो यूज़ कर रहे थे जो चार चक्का गाड़ी वो सब बरामद किए हैं। और ये लोग फर्जी आधार कार्ड भी 3-4 रखे हैं अपने पास एक एक आदमी और एक फाइबर स्टिक भी इसके हाथ से बरामद हुआ है और उसके गाड़ी पे पुलिस भी लिखा था। तो इस पर इसका एक्चुअली पहले हम गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन किए हैं और उसके हिसाब से सभी थाने को अलर्ट किए हैं और उसको 3-4 दिन में ही हम इसको डिटेक्ट करके अरेस्टिंग किया। हथियार किसके पास है? हथियार एक्चुअली वो तो दानिश करके एक है, इस पर अरेस्टिंग हुआ है शाहिद आलम, दानिश खान, अफरीदी खान, शारिफ खान और लिल्ली उर्फ पायल। ये लोग एक्चुअली सभी लोग गाड़ी पे ही थे, ये लोग घूम रहे थे घटना करने के लिए घूम रहे थे, तो सुबह सुबह पुलिस भी तैनात थे, ट्रैप किए थे और उसको अरेस्ट किए। क्या कोई गिरोह लग रहा है पटना में? गिरोह ये तो दूसरा जिला से औरंगाबाद से आके सुबह सुबह आके रात को आते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो घटना करने का जो जगह है आइडेंटिफाई करते हैं और उधर जाके ये तो इसके साथ ही बोल रहे थे, बाकी सब जांच का विषय। गाड़ी का नंबर गलत है बट चोरी का है वो तो जांच कर रहे हैं। ये कांडी फैक्ट्री मोड़ है ना उधर से। जितने लोग गिरफ्तारी हुई है सब औरंगाबाद के रहने वाले? हाँ, औरंगाबाद का है। ये लोग एरिया कहाँ रहता था सर? पूरा एरिया पटना होता था घूम कर पार्टिकुलरली अगंगुआ थाना में। अभी तक हमारा जांच में आया है कि ये लोग अगंगुआ एरिया और सिटी एरिया और सदर एरिया में घूम रहे थे। क्या और भी कोई ग्रुप घूम रहे हैं इस तरह के? वो सब जांच के विषय हम फिर बात कर लेते हैं।